दोस्तों बीएल नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्क्रीन पर दिए गए आई बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण वाइटल साइन है। तो हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होते हैं, साइन और सिम्टम क्या होते हैं और इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हृदय रक्त को पंप करके शरीर के हर हिस्से में भेजता है। इस दौरान बहता हुआ रक्त धमनियों पर जो दबाव डालता है उस दबाव को ही रक्त दबाव कहते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर की परिभाषा के बाद हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के प्रकार, रक्त दबाव के प्रकार। ब्लड प्रेशर है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, हाइपरटेंशन जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, जबकि हाइपोटेंशन जिसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। दोस्तों उच्च रक्तचाप क्या होता है, 140/90 mmHg या इससे अधिक के रक्तचाप को उच्च रक्तचाप माना जाता है। सामान्य रक्तचाप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg के रक्तचाप को सामान्य रक्तचाप माना जाता है। निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन, 90/60 mmHg या इससे कम के रक्तचाप को निम्न रक्तचाप माना जाता है। हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट आजकल दो प्रकार के होते हैं। पहला बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मैनुअल बीपी ऑपरेटर कहते हैं, जबकि दूसरा ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटर होता है। दोस्तों मैनुअल बीपी ऑपरेटर जिसमें पारे का यूज किया जाता है, मैनुअल बीपी ऑपरेटर के द्वारा बीपी नापने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता से बीपी को मापा जाता है, जबकि ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटर में बीपी इंस्ट्रूमेंट के स्क्रीन के ऊपर डिजिटल नंबर आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति को पता चल जाता है कि कितना बीपी है। दोनों ही प्रकार के बीपी ऑपरेटर में दो प्रकार के माप दिए होते हैं। ब्लड प्रेशर को पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के दो माप होते हैं, सिस्टोलिक ऊपर का और डायस्टोलिक नीचे का। सिस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव वह दबाव होता है जब हृदय रक्त को बाहर की ओर धकेलता है। डायस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव वह होता है जब हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। उदाहरण के लिए यदि आपका रक्तचाप 140/90 mmHg है तो इसका मतलब है कि 140 mmHg का सिस्टोलिक दबाव है और 90 mmHg का डायस्टोलिक दबाव है। यानी दोस्तों हमने देखा कि रक्तचाप की क्या परिभाषा होती है और रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। अब हम उच्च रक्तचाप के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप क्या होता है। हृदय धमनियों के द्वारा खून को शरीर में भेजता है। इन धमनियों में बहने वाले खून के लिए एक नियत दबाव जरूरी होता है। जब किसी भी कारण से यह दबाव अधिक बढ़ जाता है तब धमनियों पर ज्यादा असर पड़ता है। दबाव बढ़ने के कारण धमनियों में खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। इस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। दोस्तों उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या होते हैं। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप किस कारण से होता है। असंतुलित जीवन शैली, मोटापा, अगर हमारा शरीर का वजन सामान्य से अधिक है तो वो भी हमें बीपी का कारण बन सकता है। शारीरिक मेहनत न करना, दोस्तों शरीर के द्वारा एक्सरसाइज न करने के कारण भी हमारे को हाई बीपी होने के चांस रहते हैं। नमकीन चीजों का सेवन करने से, दोस्तों ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का सेवन करने से भी हाई बीपी हो सकता है। फास्ट फूड खाने से, दोस्तों आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम कम होने के कारण लोग घर के खाने के बजाय बाहर का भोजन यानी फास्ट फूड अधिक खाते हैं, जिसके कारण लोगों को हाई बीपी हो सकता है। धूम्रपान और शराब सेवन से, धूम्रपान और शराब दोनों ही हाई बीपी का कारण होते हैं। दोस्तों अगर हाइपरटेंशन हो गया है तो हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम क्या होंगे। हाई बीपी के लक्षण, उच्च रक्तचाप एक धीमा जहर है जो कि धीरे धीरे शरीर के अंगों को खराब कर देता है। दोस्तों हाई बीपी होने पर व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि
कि उसको हाइपरटेंशन हो गया है, जिसे हम एक साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। तेज सिर दर्द, अगर व्यक्ति को हाई बीपी होगा तो उसको हेडेक हो सकता है। अगर तेज सर दर्द हो रहा है तो वो हाई बीपी के साइन हो सकते हैं। थकावट और ज़्यादा तनाव होना, अगर व्यक्ति को थकान महसूस हो रही है और व्यक्ति तनाव में है तो ये हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। सीने में दर्द और भारीपन, अगर व्यक्ति के हार्ट में दर्द हो रहा है और उसको हार्ट भारीपन लग रहा है तो ये हाई बीपी के संकेत है। अगर व्यक्ति को सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी है तो हो सकता है उसे हाई बीपी हो। घबराहट होना, अगर किसी व्यक्ति को बेवजह घबराहट हो रही है तो हो सकता है ये लक्षण हाई बीपी के हो। समझने और बोलने में कठिनाई का होना, अगर व्यक्ति को कोई समझा रहा है तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है या उसे बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो हो सकता है उसे हाई बीपी हो। पैर अचानक सुन्न होना, पैरों में अचानक ही सुन्नापन महसूस होना, ये हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई पड़ना, अगर व्यक्ति उठकर चलता है तो अचानक ही उसके आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है या धुंधलापन दिखाई देता है जो कुछ सेकंड के लिए होता है तो ये हाई बीपी के संकेत है। दोस्तों, अगर हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन हो गया है तो हम इसे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं तो देखते हैं हाई बीपी से बचाव के उपाय। आहार और जीवन शैली में बदलाव करके, वजन कम करके। दोस्तों, हाई बीपी से बचने के लिए सबसे पहले हमें वजन है जो ओवरवेट हो जाता है उसे कम करना चाहिए। रोज व्यायाम करें। दोस्तों, डेली रूटीन में हमें आदत डालनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट हम एक्सरसाइज करें। रोज व्यायाम करने से हमारे शरीर में हाइपरटेंशन की समस्या से बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, जो हम अपनी डाइट लेते हैं उसमें डाइट में हमें किस प्रकार का भोजन शामिल करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन को हमें अवॉइड करना चाहिए इसे देखते हैं। अपनी डाइट में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ अखरोट एवं बादाम खाएं। दोस्तों, जो ड्राई फ्रूट होता है वो बीपी कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। सेब, अमरूद, अनार, केला, अंगूर, अनानास, मौसमी, पपीता का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, फ्रूट है वो बीपी कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। प्रतिदिन सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही हमें खाली पेट लहसुन की 2-3 कलियां खानी चाहिए जो कि बीपी कंट्रोल करती है। पानी अधिक मात्रा में पिए एवं नारियल पानी का भी सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और नारियल पानी भी पीना चाहिए जो कि बीपी कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। भरपूर सलाद खाएं एवं सलाद में प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, गोभी भरपूर हो। कम वसा वाले दूध का सेवन करें। दोस्तों, कम फैट वाले दूध को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें दूध से मलाई को हटा देना चाहिए। अपनी रोज़ की डाइट में ओमेगा 3 को शामिल करें। नमक कम खाना चाहिए। दोस्तों, नमक बीपी को बढ़ाने में विशेष योगदान रखता है, इसलिए हमें नमक कम खाना चाहिए। नमक अगर खाना हो तो हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। कॉफ़ी और चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कॉफ़ी और चाय दोनों ही बीपी को बढ़ाते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास टाइम कम होने और घर से बाहर रहने के कारण लोग बाहर का खाना अधिक खाते हैं, जिसमें वो पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसके कारण हाइपरटेंशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। खाने का सोडा नहीं उपयोग करें। कम वसा वाला खाना खाएं। भरपूर नींद लें। अच्छी नींद आने के कारण ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। अगर नींद नहीं आएगी तो हमें हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक नींद लेनी चाहिए। कम से कम दिन में हमें 6 से 7 घंटे नींद लेना ज़रूरी है हाइपरटेंशन से बचने के लिए। तनाव और गुस्से से दूर रहना चाहिए। रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। तनाव और गुस्सा दोनों ही हाइपरटेंशन का कारण होता है। अगर हमें गुस्सा अधिक आएगा और तनाव में रहेंगे तो हमारा बीपी है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें तनाव और गुस्से से दूर रहना चाहिए और डेली हमें कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए सुबह उठकर। व्यायाम के कारण हमारा शरीर है
वो हेल्थी रहता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। कुछ घरेलू उपाय जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, हम घरेलू उपाय के द्वारा बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं देखते हैं। खाली पेट लहसुन की 2-3 कलियां का सेवन करें। दोस्तों, सुबह उठकर हमें खाली पेट लहसुन की कलियां का सेवन करना चाहिए, जो कि बीपी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस और इतना ही शहद मिलाकर प्रतिदिन पिए। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को 1/2 गिलास गुनगुने पानी में घोल लें। इसे 2 घंटे के अंतराल में पीते रहें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट नंगे पैर हरी घास पर चलना चाहिए। दोस्तों, नंगे पैर 10-15 मिनट हरी घास पर चलने से बीपी है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। ताज़ा पालक और गाजर का रस निकाल कर रोज़ पिए। दोस्तों, खाने के लिए हमें तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। अब तक हमने हाइपरटेंशन के परिभाषा, हाइपरटेंशन के कारण, इसके सिम्टम और इसके उपाय और घरेलू उपाय के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं निम्न रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, उसे कैसे बच सकते हैं। निम्न रक्तचाप, लो बीपी यानी कि निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। लो बीपी होने पर हृदय, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। अब तक हमने हाइपोटेंशन की डेफिनेशन देखी है, आगे हम देख रहे हैं निम्न रक्तचाप होने के लक्षण। लो बीपी, हाइपोटेंशन के कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन चक्कर आना, बेहोशी, अचानक रोना शुरू कर देना, अचानक बेहद कमजोरी, थकान, डिप्रेशन, जी मचलाना, प्यास लगना, त्वचा में पीलापन, छाती में दर्द, अनियमित धड़कने, अगर ज़्यादा लंबे समय तक लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो उल्टी और दस्त की दिक्कत भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर में पल रही किसी गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, हार्ट डिजीज, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, नर्वस सिस्टम इम्बलेंस को संकेत हो सकता है। दोस्तों, निम्न रक्तचाप क्यों होता है, हाइपोटेंशन होने के क्या कारण हो सकते हैं। खून की कमी, अगर हमारे शरीर में खून की कमी है यानी एनीमिया है, तो ये निम्न रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन होने का कारण हो सकता है। कमजोरी व पोषण की कमी, हृदय से जुड़ी समस्या होना, हार्ट डिजीज के कारण भी हमें हाइपोटेंशन हो सकता है। पानी की कमी, दवाइयाँ, एसिडिटी। निम्न रक्तचाप से बचने के उपाय, दोस्तों हाइपोटेंशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। जीवन शैली में सुधार करें। दोस्तों, हमें अपना जीवन शैली यानी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन भी लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर को हेल्थी रखेगा। कभी भी झटके के साथ ना उठें, नियत समय पर भोजन करें और हैवी डाइट लेने से बचें। दोस्तों, हमें एक सही समय पर भोजन लेना चाहिए, हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चावल, पास्ता, ब्रेड आदि की मात्रा कम कर दें। अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। केला, तरबूज, अनार और अंगूर का सेवन करें। चुकंदर के जूस का प्रतिदिन सेवन करें। जिनको हाइपोटेंशन की शिकायत रहती है, उन्हें चुकंदर का जूस पीना चाहिए। जूस, छाछ, किंजी और लस्सी पिएं। तनाव कम करें व खूब पानी पिएं। दोस्तों, तनाव के कारण हमें कई बार हाइपरटेंशन हो जाती है, कई बार हाइपोटेंशन हो जाती है। तनाव बीपी का प्रमुख कारण है, इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए और दिन में अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर निम्न रक्तचाप की दिक्कत हो तो उपवास बिल्कुल भी ना करें। अगर लो बीपी है तो 1/2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिए, इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। दोस्तों, कॉफ़ी और चाय ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अगर अधिक बीपी है तो हमें कॉफ़ी और चाय को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें बीपी कम हो रही है तो हमें कॉफ़ी या चाय जो भी उपलब्ध हो उसे हमें तुरंत ले लेना चाहिए, जिसके कारण हमें हाइपोटेंशन की शिकायत को दूर कर सकें और हमारा
ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। अपने खाने में साबुत अनाज, फल, सब्जियां और मछली शामिल करें। लो ब्लड प्रेशर के लिए घरेलू उपचार। दोस्तों, अगर हम घर पे हैं और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो हम घर पे ब्लड प्रेशर को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं घरेलू उपचार से, तो देखते हैं। चाय या कॉफ़ी रक्तचाप को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जब भी बीपी लो लगे तब हमें एक कप चाय या कॉफ़ी जो भी उपलब्ध हो पी लेना चाहिए। छाछ में नमक, भुना हुआ जीरा और हींग मिलाकर सेवन करें। दोस्तों, नमक बीपी बढ़ाने में अधिक सहायता करता है, इसलिए हमें छाछ अगर उपलब्ध ना हो तो हम पानी में नमक डालकर भी पी सकते हैं। दालचीनी पाउडर को प्रतिदिन सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। आंवले का मुरब्बा खाएं एवं आंवले के रस में शहद मिलाकर खाएं। खजूर को दूध में उबालकर दूध पिएं या खजूर खाकर दूध पिएं। प्रतिदिन सुबह शाम चुकंदर के रस का सेवन करने से ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। दोस्तों, हमने लो बीपी यानी हाइपोटेंशन की परिभाषा, हाइपोटेंशन के कारण, लक्षण और उसके कुछ घरेलू उपचार के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, अब हम ब्लड प्रेशर का प्राथमिक उपचार देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत है और उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है तो व्यक्ति को सबसे पहले हेड वाला पार्ट को ऊंचा कर देना चाहिए और लेग वाला पार्ट यानी टांगों का जो हिस्सा है उसे हेड वाले पार्ट से नीचे कर देना चाहिए, जिसके कारण ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हेड का पार्ट ऊंचा होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन नीचे टांगों की तरफ चला जाता है और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ये एक प्राथमिक उपचार है। अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो गया है यानी हाइपोटेंशन की शिकायत हो गई है तो उस व्यक्ति के लेग वाला पार्ट को ऊंचा कर दें और हेड वाला जो पार्ट है उसे नीचा कर देना चाहिए, क्योंकि लेग वाले पार्ट को ऊंचा करने के कारण ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ अधिक हो जाएगा और व्यक्ति के ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक प्राथमिक उपचार है जब तक हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिले। दोस्तों, घरेलू उपचार के साथ साथ हमें अपने डॉक्टर से भी संपर्क बनाए रखना चाहिए और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन ले लेना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए और बीपी को चेक कराते रहना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि बीपी हमारा कम है या अधिक है या नॉर्मल है। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।